मोदी सरकार के मॉडल टिनेंसी एक्ट यानी किराया कानून एक्ट को लागू करने के लिए कई राज्य तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या अधिक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित बड़े राज्यों ने केंद्र को बताया है कि वो अपने राज्य में टिनेंसी एक्ट लागू करने के लिए तैयार हैं और अपने स्तर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में कई राज्यों ने बताया कि वो अपने अपने राज्यों में लागू बरसों पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट की जगह टिनेंसी एक्ट 2015 को लागू करने को तैयार हैं। मोदी सरकार ने 2015 में मॉडल टेनेंसी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था और राज्यों से कहा था कि वो इस ड्राफ्ट के मुताबिक अपने राज्य में नया रेंट कंट्रोल या टेनेंसी एक्ट लागू करें। बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में कहा गया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट की तर्ज पर वर्तमान रेंट लॉ में बदलाव किया जा रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। मध्य प्रदेश की ओर से कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से जारी मॉडल टेनेंसी एक्ट की तर्ज पर राज्य में लागू रेंट कंट्रोल एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य की ओर से इसका रिव्यू जारी है। गुजरात ने भी कहा है कि वो मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करने का प्रोसेस तैयार कर रहा है। कुछ राज्यों ने बेशक टेनेंसी एक्ट को लागू करने पर अपनी सहमति जता दी है, लेकिन अभी भी कई बड़े राज्यों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान प्रमुख हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट का मकसद 1948 में बने रेंट कंट्रोल एक्ट को रिप्लेस करना है। सरकार का कहना है कि इस एक्ट के कारण रेंटल हाउसिंग को लेकर लोगों का उत्साह है। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे में पाया गया कि अर्बन एरिया में लगभग 12.4% बनाए घर खाली हैं। 2011 की जनगणना में भी पाया गया कि लगभग 1.18 करोड़ घर खाली हैं। सरकार का कहना है कि कानून की जटिलता के कारण लोग घर किराए पर नहीं देना चाहते, इसलिए मोदी सरकार ने एक ऐसा मॉडल टेनेंसी एक्ट तैयार किया है जिससे न तो मकान मालिक को नुकसान होगा और न ही किराएदारों को। मॉडल टेनेंसी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तर्ज पर रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जहां किराएदार और मकान मालिक के बीच हुए रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराया जाएगा। इसके बाद किराएदार और मकान मालिक के बीच हुए किसी भी तरह के विवाद को रेंट अथॉरिटी सुलझाएगी। एक्ट के मुताबिक रेंट संबंधी किसी भी तरह के विवाद की सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।